हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूंगा कि SOL रेगुलर और NCVAP की जो मार्कशीट है, तीनों की एक ही मार्कशीट है। तो आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की जो मार्कशीट या जो रिजल्ट आता है उसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है और जो परसेंटेज होती है उसको आज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आप सभी के सामने, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट रहते हैं कि सर हमें इसमें नंबर क्यों नहीं शो होते, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने नंबर हमें दिए गए हैं, क्योंकि इसमें हमें ग्रेड शो होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। ठीक है, तो आज मैं इसी को लेकर आप सभी को अपडेट दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो आज की वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय के समस्त स्टूडेंट के लिए, समस्त छात्रों के लिए, ऐसे स्टूडेंट जिनका ग्रेड में रिजल्ट आता है, जिनकी ग्रेड में मार्कशीट है। तो ज़रा शुरू करते हैं वीडियो। तो अब देखिए, हमारे सामने ग्रेडिंग फॉर ऑल UG प्रोग्राम का एक चार्ट है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ग्रेडिंग सिस्टम समझ में नहीं आता, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में ग्रेड आ रखी है A+ आ रखा है। अब आपको सर A+ का मतलब क्या है? A+ का सीधा सीधा मतलब ये रहता है परसेंटेज में कि या तो आपके 80 नंबर आए हुए या 80 से ऊपर आए हैं। मतलब इसमें एग्जैक्ट जो नंबर का जो पॉइंट जो नंबर होते हैं वो पता नहीं चलते ग्रेड में। इसमें बोला A+ अगर आपका आ रहा है, इसका मतलब ये है या तो आपके 80 नंबर आए 100 में से या 80 से ज़्यादा आए, वो 90 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो A+ जिनके भी आते हैं उनका 80 या 80 से ऊपर माना जाता है। ग्रेड पॉइंट स्केल में 4.0 इंक्लूड किया जाता है और ग्रेड पॉइंट 10 पॉइंट स्केल में 10 माना जाता है, यानी 100 में 100 इसको आप बोल सकते हो A+ वाले को। और अगर बात की जाए कि जो इसके लिए क्या लगाया जाता है, आउटस्टैंडिंग, आपने देखा होगा काफ़ी स्टूडेंट के रिजल्ट में O करके शो होता है, तो O का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि आप फुल मार्क्स उसमें लेकर आए हो। तो A+ को हमेशा फुल मार्क्स की कैटेगरी में रखा जाता है। मान लीजिए जिसके 100 भी आ रखे होंगे उसको भी A+ ही मिलेगा और जिसके 80 भी आ रखे होंगे उसको भी A+ ही मिलेगा, ठीक है। और ये जो क्लास होती है ये फर्स्ट डिवीज़न मानी जाती है, यानी जो भी एक प्लस से पास होता है सब्जेक्ट में वो फर्स्ट डिवीज़न उसकी क्लास मानी जाती है। अब आ जाते हैं A- पे। अब जिनका A- है उनके नंबर कितने रहते हैं? उनके नंबर रहते हैं 73 से 79 के बीच में, ठीक है। और इसका जो ग्रेड पॉइंट रहेगा A- रहेगा और ये एक्सीलेंट की कैटेगरी में आएगा, आप देख सकते हो अब, ठीक है। अब जिनका प्लस आ रखा है 66 से 72, ये 3.33 ग्रेड में जो जोड़ा जाता है, वेरी गुड कैटेगरी में आता है। अब आ जाते हैं B+ वाले। अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट B+ भी आते हैं सब्जेक्ट में। अब B+ वाले आप भी देख लीजिए, अगर B+ अगर आपका आ रखा है, क्योंकि अभी तो ग्रेड ही सो होता है, तो B+ का मतलब ये कि आपके जो नंबर है वो 60 से 65 के बीच में है, या तो वो 60 होंगे या वो 65 होंगे या 63 होंगे या 62 होंगे। तो यानी ग्रेड दे दिया जाता है इसके इसके बीच में, अगर आपके नंबर रहते तो आपको ये ग्रेड दे दिया जाता है। और इसको जो ग्रेड 10 में से इसको 7.5 में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और ये गुड कैटेगरी है, ये भी फर्स्ट क्लास में मानी जाती है, ठीक है। ये भी फर्स्ट डिवीजन से इसमें भी आप पास हो जाते हो। दूसरा आता है B ग्रेड। बी ग्रेड जो होता है वो 10 में से 6.6 और आपका 4 में से 2.6 के में रेटिंग दी जाती है, और 55 से 60 हो जाएगा तो B+ हो जाएगा। या तो आपके नंबर 55 आए होंगे या तो आपके 59 आए होंगे, तभी आपको बी कैटेगरी दी गई। और ये एवरेज कैटेगरी माना जाता है और ये सेकंड क्लास की कैटेगरी है, जो सेकंड डिवीज़न से स्टूडेंट पास होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं C+ वाले स्टूडेंट। तो C+ का क्या है, 50 से 54, अगर आप क्या तो आपके 50 नंबर होंगे या तो आपके 54 होंगे, तो दोनों बीच के कोई भी अंक हो सकते हैं। तो इसमें आपको 60 आपका C+ दिया जाता है, 10 में से रेटिंग रहती है 5.883 की और 4 में से रहती है आपकी 2.33 की, और ये आपका सेटिस्फैक्ट्री रहता है, मतलब सेटिस्फाई है, ये भी सेकंड क्लास में माना जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं वो स्टूडेंट जिनका सी ग्रेड आता है। आप देखिए सी ग्रेड वाले क्या स्टूडेंट है, जिनका नंबर 45 से लेके 49 के बीच में होता है, यानी सी ग्रेड आता है। और ये कैटेगरी भी पास मानी जाती है, थर्ड डिवीजन जिससे बोला जाता है पास है, आप पास हो, मतलब ना तो आप गुड हो ना बैड हो, सब पास हो, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी सी में है, ग्रेड डी की अगर किस सब्जेक्ट में आपकी आ रखी है तो ये या तो 40 होंगे नंबर या 45 वो आपका 44 होंगे, इन दोनों के बीच में कोई आपका कोई नंबर होगा जिसमें से आपको ग्रेड डी दिया जाता है। और इसका जो 4 में से ए
1.0 और 10 में से ग्रेडिंग रहती है 2.5 की, और ये पास कैटेगरी में आती है। अब आ जाते हैं लास्ट की जो ग्रेडिंग रहती है, जो स्टूडेंट काफ़ी आरोप लगाते हैं कि सर हमें एफ क्यों दे दिया गया, हमें कैसे पता चलेगा हमारे नंबर क्या है। अब देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट के आगे अगर एफ लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपके उस सब्जेक्ट में या तो 39 नंबर आए हुए हैं या 39 से कम आए हुए नंबर। इस कैटेगरी में आपको नंबर ना देके ग्रेड में एफ दे दिया जाता है, और इसका कोई पॉइंट नहीं होता, जीरो होता है, जीरो होता है, फेल कैटेगरी में यह माना जाता है। तो कई स्टूडेंट होते हैं जिनकी बैक आती है, एफ आता है, वो इसी रीजन से आता है कि या तो आपके नंबर 39 आए होंगे, 39 से नीचे आए होंगे। अगर 40 भी आते तो डी कैटेगरी आपकी मानी जाती है, यानी डी ग्रेड आपको दिया जाता है, जो कि पास माना जाता है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है, आप समझ लीजिए ये पूरा इसी सिस्टम से ग्रेडिंग की जाती है आपके मार्कशीट में और आपके रिजल्ट में। तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा। थैंक यू सो मच।